क्लास 10 एक्सरसाइज 9.1 हाइट एंड डिस्टेंस के चैप्टर में हम लोग चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 तक हम लोग का हो गया है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। 21 नंबर क्वेश्चन आपको परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, इसको काफी महत्वपूर्ण आप समझें। कदा एक ब्रिज का ऊपरी भाग जो आंधी आने से टूटकर पृथ्वी पर लग जाता है। सोचिए अगर यह एक ब्रिज है और ऊपरी भाग टूट जाए तो जितना भाग टूटेगा उतना ही भाग इधर लटकेगा। आप ये समझ सकते हैं कि एक पेड़ है, जितना भाग टूटेगा उतना ही भाग इधर लटकेगा चाहे इधर लटकेगा। तो जितना भाग टूटा उस भाग को मैंने इधर लटका दिया, मतलब यह टूटा भाग और यह लटका भाग दोनों क्या है, बराबर है। टूट करके यह जमीन को छूता है, जमीन पर छूता है तो हमने जमीन से छुआ दिया। पृथ्वी से 30 डिग्री का कोण बनाता है और यहां छूने के साथ साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। ब्रिज की जड़ से, देखिए यहां जड़ होगा, से उस बिंदु की दूरी जहां ब्रिज का ऊपरी सिरा पृथ्वी को छूता है, यहां छूता है 25 मीटर है। यह दूरी कितना दिया आपको, 25 मीटर। तो ब्रिज की आरंभिक ऊंचाई आपसे पूछ रहा है, तो आप सोचिए पेड़ तो आपको यहां से यहां तक था, तो यहां से यहां तक आपको पेड़ है, तो पेड़ की आरंभिक ऊंचाई आपको से पूछा है। तो आप सिंपली सोचिए अगर हम इतना भाग, अगर इसका आंसर निकाल लें और जितना ही आएगा उतना यहां लिख दीजिए और फिर इसका आंसर निकाल लीजिए और इसको जोड़ दीजिएगा तो आपका पेड़ का ऊंचाई निकल जाएगा। यदि तो वेरी सिंपल है, माना पेड़ की ऊंचाई ए बी बराबर ए डी प्लस बी डी। अब सोचिए आप सिंपली इतना याद रखें कि एक बार यह आधार दिया है आपको यह चाहिए, यानी इसको और इसको में हम सूत्र का प्रयोग करेंगे तो आपको कोस थीटा होगा, जितना यह आएगा वो यहां लिख दिया जाएगा, इतना भाग निकल जाएगा। फिर इसको चाहिए और इसको, तो ये टेन थीटा होगा, फिर यहां लिख देंगे, फिर इसको इसको जोड़ देंगे तो हमारा पेड़ का ऊंचाई निकल जाएगा। तो आप इस प्रश्न को गंभीरता समझ कर दो बात याद रखें, एक बार आपको कोस का एक्सप्लेन करना है और एक बार आपको टेन का एक्सप्लेन करना है और दोनों मान को जोड़ देना है, आपको डेफिनेटली आंसर आ जाएगा। तो बस उसी तरह लिखिए, आपको दूरी बराबर दिया है 25 मीटर, उन्नयन कोण आपको बनाया है, उन्नयन कोण बराबर बनाया है 30 डिग्री। अब त्रिभुज, चलिए डी इसमें चल रहे हैं, डी बी सी में पहले कोस थीटा का मान निकालेंगे। कोस थीटा का मान आप यहां लिख सकते हैं, चूंकि एडी बराबर सीडी, कोस थीटा का मान निकालेंगे तो बी बटा एच होता है, यानी आपको होगा बी सी बटा सी डी। आप कोस थीटा के जगह पर कोस 30 डिग्री रख दीजिए तो बी सी के जगह पर आपको 25 और सी डी के जगह पर आप सी डी रखिए। इस तरह से कोस 30 डिग्री का वेल्यू रूट 3/2 आ जाएगा बराबर 25 बटा सी डी हो जाएगा, इसलिए सी डी का मान आ जाएगा आपको 50/√3। फिर त्रिभुज इसी में चल दीजिए, फिर त्रिभुज डी बी सी में, अब इसका मान आपको निकल गया 50/√3, यानी कहने का मतलब यह भी आपको है 50/√3, चाहे तो आप परिमेयकरण भी कर सकते हो। फिर इसमें चलेंगे तो आपको टेन थीटा की जरूरत होगा, टेन थीटा बराबर मान लिखिए बी डी बटा बी सी, टेन थीटा यानी टेन होगा 30 डिग्री, बी डी के जगह पर आपको बी डी लिखना है और बी सी के जगह पर आपको 25 दिया है, टेन 30 डिग्री के वैल्यू 1/√3 बराबर बी डी बटा 25 होगा, इसलिए हम लोग बी डी का मान अगर निकालेंगे तो 25/√3 होगा। अब देखिए आपको इसका मान भी निकल गया 25/√3, अब इसको और इसको आप जोड़ दीजिए आपको पेड़ का ऊंचाई निकल जाएगा, इसलिए वृक्ष का ऊंचाई के लिए अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा होगा एडी प्लस बीडी, और एडी आपको बराबर है 50/√3 और आपको बीडी बराबर है 25/√3। इस तरह से आप जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा 75/√3, परिमेयकरण कर दीजिए √3/√3, आपको आ गया 75√3/3। आप 3 से इसको काट दीजिए, आंसर आ जाएगा 25√3। आप इसको जरूर याद करें, मीटर है तो मीटर में आंसर होगा।
आप इस प्रश्न को हल करने के लिए दो बात का ध्यान रखें, जितना भाग टूटता है उतना ही भाग लटकता है, यानी यह भाग और यह भाग हमारा बराबर होगा। तो एक बार आप कोश का सूत्र का एक्सप्लेन करेंगे, इसका मान टूटा हुआ भाग निकलेगा। एक बार आप टैन का सूत्र का एक्सप्लेन करेंगे, खड़ा भाग निकलेगा। दोनों के जोड़ दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए तो कितना हुआ है, तो इस प्रश्न को आप सिंपली इस तरह से एकदम याद रखें, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक बिजली का खंभा 10 मीटर ऊंचा है, एक बिजली का खंभा है, बिजली का खंभा जो 10 मीटर ऊंचा है, एक स्टील का तार है जो खंभे की चोटी, देखिए खंभा है, खंभा की चोटी से बांधकर इसे फिक्स करने के लिए जमीन के एक बिंदु से फिक्स, मानो इसको ऐसे बांध दिया गया है, फिक्स कर दिया है, जैसे हमारे यहाँ बिजली खंभा को टाइट करके बांधा जाता है। यदि स्टील का तार, यदि तार, यह जो तार है और यह खंभा है, स्टील का तार खंभे की जड़ से जाने वाली रेखा के साथ 45 डिग्री का कोण बनाए, यह जो कोण है वो कितना का बनाता है, 45 डिग्री का कोण बनाता है। तो तार की लंबाई, आपसे इस तार की लंबाई पूछ दिया गया है, आप यहाँ देख लीजिए, आप सिंपली इस तार की लंबाई, आपको समझ में आ रहा होगा कि हमको किसका प्रयोग करना होगा। आपको चूंकि खंभा AB बराबर 10 मीटर है, तार AC है, उन्नयन कोण बराबर 45 डिग्री है। अब त्रिभुज ABC में आप देख पा रहे होंगे किसका एक्सप्लेन करना चाहिए, साइन थीटा का एक्सप्लेन करना चाहिए। साइन थीटा बराबर AB बटा AC, साइन थीटा के जगह पर साइन हो जाएगा आपको 45 डिग्री, और AB के जगह पर 10, और AC के आप AC छोड़ दीजिए, 45 डिग्री के वैल्यू 1/√2 बराबर 10/AC हो जाएगा। इसलिए तार AC की लंबाई बराबर 10√2 मीटर में हो जाएगा। आप गुना कर सकते हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कितना है, 22 है, ठीक है, आगे देखते हैं।